नमस्कार, मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लाइड को सब्सक्राइब करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो जब भी अपलोड होंगे तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन सूचना आ जाएगी। धन्यवाद। नमस्कार, आपने मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड होंगे आपको इसकी इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि मेष लग्न के जो जातक और जातिका हैं, वो किस तरह से अपनी कुंडली में जान सकते हैं कि उन्हें वाहन का सुख प्राप्त होगा या नहीं, क्या वाहन से हम धन प्राप्त कर सकते हैं, क्या हम वाहन के इस तरह से कौन से योग हैं कुंडली में देख सकते हैं, और साथ ही वाहन क्यों हमारे बिगड़ते रहते हैं, क्यों क्षतिग्रस्त होते हैं और क्या उपाय कर सकते हैं, ये सब जानकारी के लिए हमने जो भी मिथुन मेष लग्न के जातक और जातिका हैं उनके लिए उदाहरण के कुंडली के द्वारा हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा छोटा सा प्रयास है, जो हमें थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त है वो आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखिए, ये मेष लग्न के जातक है, तो जब भी हम बात करते हैं लग्न के बारे में तो लग्न मजबूत होना चाहिए। उसका मजबूत होना मतलब वो मुख्य ग्रह है, ये मंगल बनता है मेष लग्न में, तो वो मजबूत हो जब भी होगा जब वो केंद्र में पहले चौथे सातवें दसवें भाव में बैठा हो, या वो त्रिकोण में पांचवें नौवें भाव में बैठा हो और ग्यारहवें भाव में बैठा हो, और वो या तो अपने स्वराशि में हो, उच्च राशि में हो, मित्र राशि में हो, या उस सुप्रभाव उन पे हो, तो वो मजबूत कहलाता है। तो जो भी ग्रह हम बात करेंगे मजबूत होने की कंडीशन इसकी यही रहेगी। तो इस तरह हमने लग्न का मजबूत होना चाहिए। इसके पश्चात आप देखिए कि चौथा भाव जो कुंडली का होता है वहां से आप वाहन सुख के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ और चौथे भाव का स्वामी यहाँ चंद्रमा है और तथा इसका कारक शुक्र है। तो ये तीन का संबंध जब भी केंद्र में त्रिकोण में या लाभ भाव में इनके स्वामियों से युति राशि परिवर्तन हो, राशि परिवर्तन हो, युति हो, और उनका जब भी प्रभाव एक दूसरे पे होता है और शुक्र के साथ में उसका प्रभाव होता है, तो जातक को वाहन का सुख प्राप्त होता है। तो इस तरह देखिए कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा, मान लो और नवम भाव का स्वामी बृहस्पति तथा ग्यारह भाव का स्वामी जो है शनि और तथा शुक्र, इनका जब भी एक दूसरे से राशि परिवर्तन हो, इनमें युति हो, तो आपको कई वाहन प्राप्त होते हैं, कई वाहन का सुख होता है। और क्योंकि ये लाभ का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, अगर इनका संबंध जैसे शनि चंद्रमा की युति ग्यारह भाव में हो, चौथे भाव में हो, या नवम भाव में हो, या बृहस्पति भी साथ में हो, शुक्र भी अगर यहाँ बैठा हुआ है, शुक्र भी यहाँ बैठे, यहाँ शुक्र बैठे, या शुक्र स्वराशि का हो, उच्च का हो, तो जब भी इनका कॉम्बिनेशन बनता होगा कुंडली में तो आपको कई वाहन प्राप्त होंगे, तथा साथ साथ में जब इनकी दशाएं अंतर्दशाएं चलेगी तब ये वाहन का सुख प्राप्त होगा। और ये क्योंकि ग्यारह भाव से जब संबंध बनता है चौथे भाव के स्वामी का और शुक्र का, मान लो यहाँ पे चंद्रमा भी बैठा है, शुक्र भी बैठा है ग्यारह भाव में, और शनि का राशि परिवर्तन हो, तो आपको इससे हम जो धन भी जो जातक कमाना चाहते हैं, अपनी आय का सोर्स बनाना चाहते हैं वाहन के द्वारा, तो उनका संबंध चौथे भाव का संबंध ग्यारह भाव से होना जरूरी हो जाता है, नवम भाव से होना जरूरी होता है, तथा शुक्र भी साथ में हो तो बहुत ही अच्छा होता है। तो शुक्र की स्थिति अगर चौथे भाव में हो, नवम भाव में हो, या ग्यारह भाव में हो, तथा इनके स्वामी चंद्रमा जो है चौथे भाव का, चंद्रमा शुक्र यहाँ हो, शनि हो, यहाँ पे बृहस्पति हो,
और यह चंद्र बृहस्पति जैसे यहाँ पे युति बना रहे हैं, ऐसे यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं, शुक्र के साथ बना सकते हैं। तो इस तरह के अगर ज्यादा संबंध होंगे तो आप कई वाहन को सुख प्राप्त होगा और अच्छे वाहन प्राप्त होंगे और उससे आप आय का स्रोत भी बना सकते हैं। इसी तरह बहुत सी जो केंद्र त्रिकोण में योग भी बनते हैं तो भी वाहन का सुख प्राप्त होता है। जैसे लग्न का स्वामी मंगल और यहाँ पे चंद्रमा है, एक दूसरे से राशि परिवर्तन करे, युति करे, या शुक्र की स्थिति भी अगर यहाँ पे बनती है साथ में, यदि यह शुक्र आपके कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में हो, उच्च का सौ राशि का बैठा हो और इस तरह के लग्नेश और चौथे भाव में राशि परिवर्तन युति कहीं पे भी होगी तो भी आपको, या मंगल की जैसी यहाँ दृष्टि है तो इस तरह से आपको वाहन सुख का प्राप्ति होगा। इसी तरह से ये राशि परिवर्तन युति हमने यहाँ पे नव भाव का भी देख रहे हैं और शुक्र की अच्छी स्थिति होने पे केंद्र त्रिकोण में होने से आपको वाहन का शुक्र जब भी दशाएं बृहस्पति की, चंद्रमा की या शनि की, मंगल की अंतर दशाएं चलेगी तो आपको वाहन का सुख प्राप्त होगा। आपको वाहन का सुख नहीं प्राप्त होगा जब भी आपका चंद्रमा और शुक्र छठे आठे बारह भाव में बैठते हैं, अगर वो उनपे पाप प्रभाव राहु केतु का होता है या उनपे वो चंद्रमा वगैरह अस्त हो, चंद्रमा शुक्र ये अगर अस्त हो, वक्री हो, छठे आठे बारह भाव में बैठ के, मान लो चंद्रमा यहाँ बैठा है और अस्त है, वक्री है, चंद्रमा वक्री नहीं होता, चंद्रमा अगर अस्त हो सूर्य से, या वो चंद्रमा की स्थिति नीच की हो जाती है, यहाँ पे नीच का हो, तो इस तरह से अभी चंद्रमा जो है चौथे भाव का स्वामी, उसके छठे आठे बारह में बैठने से, नीच के होने से और उस पर राहु केतु का प्रभाव होने से आपको वाहन का सुख बिल्कुल प्राप्त नहीं होगा। अगर शुक्र की स्थिति भी छठे आठे बारह में बन जाती है और वो भी अगर पाप प्रभाव में आ जाता है राहु केतु के, तो भी आपको इसका सुख प्राप्त नहीं होगा। तो इस तरह से आप को वाहन का हमने बताया कि किसे सुख प्राप्त होगा, किसे नहीं प्राप्त होगा। इसके बाद हम जान सकते हैं कि चौथे भाव का चंद्रमा अगर राहु केतु के प्रभाव में हो तो आपको यह मान के चलिए कि ये आपका वाहन क्षतिग्रस्त हो सकता है। इसी तरह अगर चंद्रमा का चौथे भाव का संबंध आठवें भाव के स्वामी के साथ में बने और राहु केतु शनि का ऐसा प्रभाव, मान लो जैसा यहाँ बन रहा है, अगर ऐसा बन रहा हो तो आपका वाहन भी चौथा भाव भी प्रभावित हो, चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा भी प्रभावित हो, आठवें भाव का स्वामी मंगल भी अगर राहु केतु के प्रभाव में आएंगे तो ये यहाँ पे आपके वाहन भी क्षतिग्रस्त हो सकता है तथा आपको भी ये एक्सीडेंट होने के योग बन जाते हैं, क्योंकि आठवां भाव से एक्सीडेंट होता है। तो आठवें भाव का संबंध चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा या चौथे भाव में हो और उसका शुक्र के साथ भी संबंध बनेगा, कहीं पे भी शुक्र के साथ राहु केतु का संबंध बनेगा तो आपको उस समय में एक्सीडेंट वगैरह के योग बन जाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत से अगर इस तरह के योग हैं तो हमें वो थोड़े उपाय भी करना चाहिए। जब भी हम चंद्रमा अगर आपका अच्छा नहीं है कुंडली में और वो मान लो किसी प्रभाव में आ रहा हो तो आपको जब भी आप गाड़ी चलाते हैं तो पानी का यूज़ बार बार करना चाहिए, जिससे कि आपका एकाग्रता बनी रहे तथा चंद्रमा के मंत्रों के जाप करना चाहिए। तथा आपकी जो भी कार है, जब भी आप खरीदो तो कुछ शुभ मुहूर्त में खरीदना चाहिए तथा अच्छे का जो भी यहाँ के योग कारक कलर है, जैसे यहाँ पे मंगल का, चंद्रमा का सफ़ेद, लाल, जैसे सूर्य यहाँ अच्छा है, तो जो भी ग्रह अच्छे हैं आपके कुंडली में योग कारक ग्रह हैं उनके कलर की गाड़ी आप खरीद सकते हैं। लाल रंग की गाड़ी खरीद सकते हैं, सफ़ेद रंग की गाड़ी खरीद सकते हैं, नारंगी, पीला, मैरून रंग आदि की गाड़ी आप खरीद सकते हैं। वो खरीदिए, शुभ मुहूर्त में खरीदिए तथा गाड़ी में आप गणेश जी की स्थापना कीजिए तथा ओम गणपते नमः का मंत्र पढ़िए और हो सके तो हनुमान जी की, क्योंकि आप मंगल प्रधान है तो हनुमान जी की आराधना करना चाहिए, हनुमान जी की भी स्थापना कर सकते हैं, हनुमान चालीसा अपनी गाड़ी में रख सकते हैं, सुंदरकांड की पुस्तक भी अपनी गाड़ी में रखिए तथा वाहन नाशक यंत्र का जो है स्थापना अपनी गाड़ी में करना चाहिए। तो इस तरह से
आप छोटे छोटे उपाय करके उनको अपने वाहन का जो है क्षतिग्रस्त होने से बचा सकते हैं, अपने आप को भी बचा सकते हैं। आपको मुख्य ग्रह मंगल को मजबूत करने के लिए मंगल के मंत्रों के जाप करना चाहिए तथा हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। आपके इष्ट देव सूर्य जी है तो सूर्य जी की आराधना करना चाहिए तथा प्रतिदिन करना चाहिए। जो भी ग्रह आपका शुक्र का अगर प्रभाव अच्छा नहीं आ रहा हो, छठे आठे बारह में अगर बैठ रहा है प्रभाव में आ रहा राहु के, तो आपको शुक्र की वस्तुएं जो होती है उसका दान करना चाहिए। जो शुक्र की वस्तु है सफेद वस्तुएं का दान कर सकते हैं, घी का, दूध का, जहाँ सफेद वस्त्रों का आदि का दान करके शुक्र को आप मजबूत कर सकते हैं। और शुक्र के मंत्र का ओम शुक्राय नमः का 108 बार प्रतिदिन जाप करना चाहिए। इस तरह से आपने देखा कि जब भी आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो शुभ मुहूर्त में होना चाहिए तथा उनके कलर आपके लग्न के और योग कारक ग्रहों के अनुसार जो हमने बताया वैसे होना चाहिए तथा आपके वाहन के अंदर आपको गणेश जी की स्थापना करना चाहिए और ओम गणपति नमः का मंत्रों का जाप करना चाहिए। जब भी आप घर से निकले तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवा का मंत्र का जब भी आप पूजा में बैठे हो तो करके निकलें तो आपको अच्छा अच्छा रहेगा। तो ये छोटे छोटे उपाय आप कर सकते हैं। फिर से हम बता दें कि आपको जब भी वाहन खरीदना हो तो आपको चतुर्थ भाव देखेंगे, चतुर्थ भाव के स्वामी को देखेंगे, उनका संबंध नवम भाव दशम भाव से बन रहा हो, उनका प्रभाव हो, शुक्र भी वो अच्छी स्थिति में हो, कुंडली में उच्च का हो, स्वराशि का हो तथा केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, शुभ राशियों शुभ ग्रहों से प्रभावित हो, तो आपको वाहन का सुख प्राप्त होगा। जब भी दशाएं जैसे बृहस्पति और युति है तो चंद्रमा की दशा अंतर्दशा होगी तब वो वाहन का सुख प्राप्त होगा। ऐसे ही लाभ भाव का जो स्वामी शनि चंद्रमा से युति करे या शुक्र यहाँ बैठ जाता है और शुक्र अगर केंद्र त्रिकोण में बैठता है तो आपको कई वाहन का योग प्राप्त होगा तथा आप वाहन से आय का स्रोत भी, क्योंकि ये लाभ भाव है तो आय भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह जो भी आपका मेष लगने के जातक जातिका है आप अपनी कुंडली में देखिए कि इन ग्रहों की स्थिति जो चौथा भाव स्वामी शुक्र की स्थिति अच्छी होना चाहिए। यहाँ का कारक बुध भी होता है तो बुध की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। जो भी ग्रह है शुक्र बुध वगैरह जो भी बृहस्पति है ये सूर्य से अस्त नहीं होना चाहिए, वक्री नहीं होना चाहिए तथा वो पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए और छठे आठे बारह भाव में नहीं बैठना चाहिए। इस तरह से अगर अच्छे योग बनेंगे मतलब कि चौथे भाव स्वामी तथा शुक्र उच्च का स्वराशि का मित्र राशि में शुभ प्रभाव में होंगे तो आपको वाहन का सुख जरूर प्राप्त होगा। तो इस तरह मेष लगने के जो जातक और जातिका है अपनी कुंडली में ये संक्षिप्त जो जानकारी दी उसके अनुसार आप देख सकते हैं वाहन सुख के बारे में जो भी हमने बताया है कि वो आपको कैसे प्राप्त होगा, कब प्राप्त होगा, ये सब जानकारी आपको दी है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को इसकी जानकारी दीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इस तरह अगर आपको टेलीफोन से परामर्श चाहते हो तो मैं मामूली दक्षिणा प्रदान करके आप मेरे से टेलीफोन से परामर्श ले सकते हैं। आपने मेरा वीडियो देखा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।